इस मंदिर में आज भी रात के 12 बजे आता है एक विशालकाय सांप महादेव की पूजा करने। लेकिन सुबह मंदिर में जो होता है उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेकिन दोस्तों, इस खास वीडियो को पूरा देखने से पहले पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि जिसने लिखा महादेव का नाम उसके बन गए सारे काम। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे चमत्कारी दिव्य नाग के दर्शन कराने जा रहे हैं जिसे साक्षात महादेव का नाग माना जाता है। और ये सांप रात के 12 बजे शिवलिंग की पूजा कर पता नहीं कहां गायब हो जाता है। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बांगरमऊ के पास स्थित बोधेश्वर महादेव के मंदिर को लेकर लोगों में गहन आस्था है। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि मंदिर स्थित शिवलिंग के स्पर्श मात्र से ही लंबे समय से पीड़ित गंभीर रोगों से दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इस मंदिर में दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु आते हैं और दर्शन के साथ ही अपने रोगों से मुक्ति पाते हैं। यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग कहते हैं कि आधी रात को हजारों की संख्या में इस मंदिर में सांप आते हैं और शिवलिंग के स्पर्श के बाद वापस जंगलों की तरफ चले जाते हैं। हालांकि लोग इस बात को भी मानते हैं कि आज तक इन सांपों द्वारा स्थानीय लोगों को जरा सी भी हानि नहीं पहुंची है। ये सांप चुपचाप आते हैं और शिवलिंग के स्पर्श के बाद वापस अपने धाम को चले जाते हैं। दोस्तों, इस मंदिर के विषय में ये भी प्रचलित है कि लोग यहाँ आकर मंदिर के शिवलिंग को स्पर्श करते हैं और उनके लंबे समय से चले आ रहे असाध रोग भी ठीक हो जाते हैं। इस मंदिर को लेकर एक कथा बेहद प्रचलित है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि एक बार नेवल के राजा को भगवान शिव ने सपने में आकर पंचमुखी शिवलिंग नंदी नवग्रह स्थापित करने के आदेश दिए। भगवान शिव से आदेश प्राप्त करने के बाद राजा ने इस कार्य को प्रारंभ किया और जब पंचमुखी शिवलिंग नंदी और नवग्रह का निर्माण हो गया तो रथ पर इन्हें लेकर नगर में प्रवेश करने लगा। लेकिन तभी अचानक से रथ का पहिया जमीन में धंसने लगा और लाख प्रयास के बाद भी रथ के पहिये को जमीन से निकाला नहीं जा सका। दोस्तों, अंत में राजा ने उसी जगह पर उसी स्थान पर शिवलिंग नंदी और नवग्रह की स्थापना कर भव्य मंदिर का निर्माण कराया। वही भगवान शिव द्वारा बोध कराए जाने के कारण इस मंदिर का नाम बोधेश्वर मंदिर पड़ गया। दोस्तों, सनातन धर्म से जुड़ी ऐसे ही रोचक कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिए।